मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कैनेडियन वजीर आजम के तैयारे में फनी खराबी, ट्रूडो कैनेडा वापस पहुंच गए। तैयारे तब्दील न किए जाने पर कैनेडियन हुकूमत को दबाव का सामना। चीनी मदाखलत का मामला, कैनेडियन एमपी की अमरीकी कमेटी के सामने गवाही। अमरीकी सियासतदान कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट के मोतरफ माइकल चोंग का कहना था कि बैरूनी मदाखलत बहुत से शोबों में नुकसानदेह है। कैनेडियन वजीर आजम से खुलकर बात करने के लिए लिबरल अरकान पर उम्मीद, पार्टी की कम होती मकबूलियत पर गौर किया जाएगा। लिबरल अरकान का कहना है कि पार्टी अपनी कामयाबियों को अच्छी तरह से नहीं बता रही। किम जोंग उन की रूसी सदर प्यूतिन से मुलाकात, किम जोंग उन का कहना है कि दौरे का मकसद रूस और शुमाली कोरिया के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का फरोग है। रूसी सदर प्यूतिन की जानिब से शुमाली कोरिया के रहनुमा का खैर मकदम। अमरीकी सदर जो बाइडन के खिलाफ इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और बदउनवानी के इल्जामात। बदउनवानी के इल्जामात पर अमरीकी सदर जो बाइडन के मुआवजे की तैयारी शुरू, रिपब्लिकन ने कमेटी को जो बाइडन के खिलाफ मुआवजे की हिदायत कर दी। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करते हैं खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas, get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो तैयारे में फनी खराबी की वजह से नई दिल्ली में G20 सरबराही इजलास में शिरकत के बाद दो रोज़ तखीर से भारत से वापस रवाना हो गए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो तैयारे में फनी खराबी की वजह से नई दिल्ली में G20 सरबराही इजलास में शिरकत के बाद दो रोज़ तखीर से भारत से वापस रवाना हो गए। तैयारे तब्दील ना किए जाने पर कैनेडियन हुकूमत को दबाव का सामना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो जुमे को G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए भारत पहुंचे थे और इतवार को महात्मा गांधी की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाने के बाद वतन वापसी का शेड्यूल था। ताहम परवाज से पहले जांच के दौरान उनके तैयारे में फनी खराबी का पता चला, जिसके नतीजे में कनाडा की मुसल्ला फौज ने उनके तैयारे को ग्राउंड कर दिया और वो अपने पूरे वक्त के साथ मजीद दो रोज़ भारत में क़याम पर मजबूर हुए। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक इस तैयारे को मुतअद्दिद ऑपरेशनल मसाइल का सामना था। वजीर आजम के प्रेस सेक्रेटरी मोहम्मद हुसैन ने तस्दीक की कि जस्टिन ट्रूडो की सरबराही में कनाडा का G20 वफ परवास में सवार था। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि चूंकि जस्टिन ट्रूडो की भारतीय हुकूमत के साथ मजीद कोई सिफारती मसरूफियत तय नहीं थी, इसलिए वो अपने 16 साल बेटे के साथ अपने होटल में ही ठहरे। G20 सरबराही इजलास में जस्टिन ट्रूडो की मौजूदगी उनके चंद G7 हम मनसबों के मुकाबले में ज़्यादा खामोश थी, क्योंकि कनाडा की जानिब से दाएं बाजू के सिख अलहदगी पसंदों के खिलाफ कार्रवाई ना करने पर उनकी हुकूमत और मेज़बान भारत के दरमियान तनाव मौजूद रहा है। अमरीकी सियासतदानों ने कनाडा के एक साथी की तारीफ की, जब कंजर्वेटिव MP माइकल चोंग ने वाशिंगटन में अपनी ज़ाती कहानी सुनाई। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी सियासतदानों ने कनाडा के एक साथी की तारीफ की, जब कंजर्वेटिव MP माइकल चोंग ने मंगल को वाशिंगटन में अपनी जाती कहानी सुनाई। चीन की गैर मुल्की मदाखलत पर कैपिटल हिल की समात में रुकन पार्लियामेंट को चीन की जानिब से मुबैना सियासी मुहिम के हदफ के तौर पर अपने पहले हाथ के तजर्बे के बारे में गवाही देने के लिए मदऊ किया गया था। एक रिपब्लिकन कांग्रेस मैन रियान जंके ने कहा कि आज़ादी के लिए खड़ा होना आसान नहीं है,
इसके लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है। अलास्का के एक रिपब्लिकन सेनेटर डैन सिलिवान ने कहा, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि हम इसकी कितनी तारीफ करते और सराहते हैं। ये एक नायाब सरहद पार सियासी रुझान था जिसमें कनाडा की एक पार्लियामेंट के एक मेंबर ने दूसरे मुल्क में कानून साजों के सामने गवाही दी। मीटिंग में दाखिल होते हुए चोंग ने सहाफियों को बताया कि उनके दो मकासद थे, पहली उनकी अपनी कहानी सुनाना, उसकी अपनी और कनाडा में चीनी डायस्पोरा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले दूसरे लोग जिनके बारे में उसने कहा कि वो धमकियों का शिकार हैं और उसके बरक्स अक्सर खामोशी से शिकार होते हैं। इसका दूसरा मकसद उसने कहा मुमकिन पॉलिसी हल के बारे में बात करना था, बशमूल मुमकिन गैर मुल्की मदाखलत से मुतालिक कानून साजी और कनाडा में गैर मुल्की एजेंट्स की नई रजिस्ट्री जैसा कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पहले से मौजूद है। कनाडा की लिबरल हुकूमत ने एक मुजवजा गैर मुल्की एजेंट रजिस्ट्री पर अवामी मशावरत का आगाज किया है जिसके साथ इस साल के आखिर तक कानून साजी की तवक्को है, लेकिन नाकदीन का कहना है कि इसमें बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। चोंग ने चीन के लिए कांग्रेशनल एग्जीक्यूटिव कमीशन जो ऐवान नुमाइंदगान सैनेट और सदारती तकरियों के डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स पर मुश्तमिल है को बताया कि गैर मुल्की मदाखलत कनाडा के लिए एक संगीन कौमी सलामती का ख़तरा है, इससे हमारी मईशत, हमारी तवील मुद्दती खुशहाली, हमारी समाजी हम आहंगी, हमारी पार्लियामेंट और हमारे इंतखाबात को ख़तरा है। चोंग ने कहा कि इत्तेहादी ममालिक को बैन अल-अक़वामी जबर का मुकाबला करने की पॉलिसियों पर मिलकर काम करना होगा। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की लिबरल MP से मुलाकात की तवक्को है क्योंकि लिबरल खुलकर बातचीत करने के लिए पुरउम्मीद हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की लिबरल MP से मुलाकात की तवक्को है क्योंकि लिबरल खुलकर बातचीत करने के लिए पुरउम्मीद हैं। तवक्को है कि वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो अपनी पार्टी के ज्यादातर MP से मुलाकात करेंगे क्योंकि वो इंतखाबात में मंदी को पलटाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रूडो मंगल की रात ऑटावा पहुंचे जब उनके तैयारे में मैकेनिकल मसाइल ने नई दिल्ली से रवानगी में ताखिर की। 158 लिबरल MPs में से ज्यादातर लंदन ऑन्टेरियो में होने वाले कौमी काकस के इजलास में शिरकत करेंगे ताकि मौसम खजा के पार्लिमानी इजलास के लिए पार्टी की हिकमत अमली तय की जा सके। अरकान पार्लियामेंट भी मंगल को मकामी देही और खवातीन के मसाइल का जायजा लेने के लिए छोटे ग्रुप्स में जमा हुए और उनके इलाकाई ग्रुपों में मुलाकात होने वाली है। काकस की पसपाई मौसम गर्मा के बाद हुई है जिसमें हाउसिंग और रहने की लागत जैसे मसाइल पर इंतखाबात में कदामत पसंदों को बढ़ते हुए देखा गया है। और लिबरल काकस की चेयर ब्रेंडा शानहान का कहना है के साथ ही अराकीन पार्लियामेंट बहुत वाज़ेह गुफ्तगू कर रहे हैं। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में बैक बेंच मेंबरान पार्लियामेंट के हवाले से कहा गया है कि पार्टी अपनी कामयाबियों को अच्छी तरह से नहीं बता रही और ये कि ट्रूडो उन मेंबरान पार्लियामेंट के तहफ़ुज़ात नहीं सुन रहे जो काबीना में नहीं है। शुमाली कोरिया के सरबरा किम जोंग उन ने कहा है कि रूस के दौरे का वाज़ेह मकसद रूस और शुमाली कोरिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने कहा है कि रूस के दौरे का वाज़ेह मकसद रूस और शुमाली कोरिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने रूसी सदर से मुलाकात में दिफा और टेक्नोलॉजी ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग अपनी लग्जरी और बुलेट प्रूफ आर्म ट्रेन में सवार होकर रूस में दाखिल हुए। उनके हमराह शुमाली कोरियन फौज की आला क़यादत भी मौजूद है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। शुमाली कोरिया के सरबराह और रूसी सदर की मुलाकात रूसी स्पेस सेंटर में हुई और रूसी सदर ने शुमाली कोरिया के सरबराह को स्पेस सेंटर का दौरा कराया। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन की जानिब से रूस का दौरा दोनों ममालिक की स्ट्रेटेजिक अहमियत को उजागर करता है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि किम जोंग उन के हमराह फौजी क़यादत की मौजूदगी से ये इम्कान जाहिर होता है कि रूस और शुमाली कोरिया के दरमियान हथियारों की डील हो सकती है। ताहम मगरबी ममालिक दोनों ममालिक इस मुतवक्के डील पर तश्वीश का इजहार कर रहे हैं जिसे रूस यूक्रेन जंग के तनाजर में देख रहा है। वाज़ेह रहे कि कोरोना वबा के बाद शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन की जानिब से किसी भी मुल्क का ये पहला दौरा है। दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने साबिक अमरीकी हम मनसब डोनाल्ड ट्रंप की खुलकर हिमायत करते हुए मौजूदा अमरीकी इंतजामिया पर ट्रंप को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने का इल्ज़ाम आयद किया। रूसी सदर का कहना है कि ट्रंप को आइंदा साल होने वाले इलेक्शन में सदर जो बाइडन के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने की मुहिम चलाने पर सियासी जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। पुतिन ने रूस के मशरक़ बईद में वाक़या व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम से खिताब में कहा कि ट्रंप के जुल्म सितम के हवाले से यह हमारे लिए और मौजूदा माहौल में अच्छा है क्योंकि ये अमरीकी निज़ाम की खराबी की अक्कासी करता है। रूसी सदर का मजीद कहना था कि वो रूस के बारे में अमरीकी खारजा पॉलिसी के मौक़िफ़ में
किसी तब्दीली की तवक्को नहीं रखते। उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं कि आइंदा साल अमरीका में कौन सदर मुंतखब होता है। अमरीकी सदर जो बाइडन के सर पर मुआवजे की तलवार लटकने लगी। स्पीकर कियान मैकार्थी ने मुआवजे की कार्रवाई के लिए इंक्वायरी की हिदायत कर दी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर जो बाइडन के सर पर मुआवजे की तलवार लटकने लगी। स्पीकर कियान मैकार्थी ने मुआवजे की कार्रवाई के लिए इंक्वायरी की हिदायत कर दी। अमरीकी सदर जो बाइडन के खिलाफ इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और बदउनवानी के इल्जाम हैं। डेमोक्रेट रहनुमा जेफरीज ने जो बाइडन के मुआवजे के लिए इंक्वायरी को नाजायज और वक्त का ज़िया करार दिया है। स्पीकर कियान मैकार्थी ने जो बाइडन और उनके खानदान के खिलाफ कारोबारी मामलों की इंक्वायरी की हिदायत करते हुए कहा कि जो बाइडन खानदान के बदउनवानी में मुलविस होने के इम्कान हैं। मैकार्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो बाइडन ने अपने खानदान के गैर मुल्की कारोबारी मामलों के बारे में अमरीकी आवाम से झूठ बोला। मैन हाउस कमेटी को सदर जो बाइडन के खिलाफ मुआवजे की बाज़ाब्ता तहकीकात शुरू करने की हिदायत कर रहा हूँ। अमरीकी स्पीकर ने कहा कि जो बाइडन पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और बदउनवानी के इल्जाम हैं, जिस पर बाज़ाब्ता तहकीकात का आगाज कर रहे हैं ताकि 2024 के इंतखाबात से कबल मुआवजे की कार्रवाई शुरू हो सके। वाज़ेह रहे कि रिपब्लिकन की ज़ेरे क़यादत हाउस ओवरसाइट कमेटी ने जनवरी में उन इल्जाम की तहकीकात शुरू की जिसमें बाइडन ने नायब सदर रहते हुए अपने बेटे हंटर के कारोबारी मामलों से फ़ायदा उठाया। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।